बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह का किया ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। लगभग 13 लाख कीमत के अवैध सूखे गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 82.35 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, अवैध गांजे के परिवहन व बिक्री करने में प्रयुक्त 3 चार पहिया वाहन बरामद। ये दिनांक 27/12/2022 की रात को एक सूचना मिली जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मामला संज्ञान में आ रहा था। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत हमने चेकिंग लगाई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर एक 13 लाख का 82.35 किलो अवैध गांजा पकड़ा गया, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से 3 चार पहिया वाहन बरामद हुआ। गांजे की बाजारू कीमत क्या की गई है इसमें? गांजे की बाजारू कीमत जो है वो लगभग 13 लाख आकी जा रही है। बाकी आगे इस पे उसका सैंपल लेकर भेज दिया गया है, आगे उस पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मयापुर में भी अभियुक्त जेल जा चुका है? हाँ, इसमें जो एक पकड़ा गया है जो मेन सप्लायर है संगम साहू नाम से, वो पिछले साल सेम इसी डेट पर उसके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जहाँ पर 1.95 टन गांजा इसके पास से बरामद किया गया था और ये जेल में रहा 2 महीने। इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं कुछ इसके बारे में? ये गांजा की जो तस्करी पूछताछ में समझ निकल के आई है, इसमें ये गांजा का जो सप्लाई हो रही है ये उड़ीसा से आते हुए तार नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड और सीतापुर से भी कुछ इसके तार कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों की अभी गिरफ्तारी चल रही है? हाँ, अब इसको हम इसको पूरा आगे विवेचना में इसको डेवलप किया जाएगा और इसमें जो भी इसमें संलिप्तता पाई गई है उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इसमें 25,000 का इनाम घोषित किया।